कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देंगे तो मैं समझता हूँ रामनिवास पीछे नहीं रहेगा, उससे हम जबरदस्ती ले लेंगे फिर इस्तीफा। नहीं, अब सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है तो क्या लगता है आपको, जजपा के जो है उनको भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बीजेपी का आविष्कार होना चाहिए। सेंटर में सरकार बीजेपी की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं, कानून उन्होंने पास कराया तो उनका भी बहिष्कार होना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए हर गांव में। सत्ताधारी पार्टी ने प्रचार कर दिया कि एक विशेष वर्ग का आंदोलन है, हर गांव से हर जाति हर गोत और हर धर्म का आदमी, एक घर में से एक आदमी दिल्ली बॉर्डर पर जरूर पहुँचेगा। और जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, बिनैन खाप अपनी जी जान की बाजी लगाओगी, पीछे नहीं हटेगी। राकेश टिकैत जी, सारा किसान रो रहा है और सारा देश एक नई ऑक्सीजन मिल गई, हम तो राकेश टिकैत जी को नमन करते हैं इस बात के लिए। जो सरकार चाल चला है वो सरकार की चाल उसके उल्टी पड़ा है, हमारे से उल्टी पड़ा है कि मुसलमान की आंगड़ी चीर के देख ले उसका भी लाल लू है और हमारा भी है। वो हमारे भाई यार, उनने तो आगे बढ़ के कुर्बानी करने का वायदा किया है। नरवाने की आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर हमारी टीम बुद्धोवाल टोल प्लाजा पर पहुंची है, हमारे साथ बिनैन खाप के प्रवक्ता रघुवीर नैन जी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कल दौलतदा में जो मीटिंग हुई उसमें क्या फैसला लिया गया, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। कल आपकी जो दौलतदा मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया? देखिए, एक तो महत्वपूर्ण फैसला ये था कि अभी तक सत्ताधारी पार्टी ने प्रचार कर दिया कि एक विशेष वर्ग का आंदोलन है। कल बिनैन खाप में ये ऐतिहासिक दिन था कि बिनैन खाप में बसने वाली हर जाति हर गोत और हर धर्म का आदमी उस खाप में पहुंचा था, पंचायत में। वहां निर्णय ये लिया कि हर गांव से, गांव को एक इकाई मानकर, हर गांव से हर जाति हर गोत और हर धर्म का आदमी, एक घर में से एक आदमी दिल्ली बॉर्डर पर जरूर पहुँचेगा। और जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, बिनैन खाप अपनी जी जान की बाजी लगाओगी, पीछे नहीं हटेगी, यही हमारे डिसीजन थे। आपने देखा तकरीबन जजपा के जो बड़े नेता है उनका विरोध हो रहा है, लेकिन जो भाजपा के सांसद है उनका विरोध क्यों नहीं? अपने यहाँ सांसद है सुनीता दुग्गल, उसके बारे में कोई भी आज तक किसी का भी कोई बयान नहीं आया, तो उनके बारे में क्या कहना? यही तो विडम्बना है कि विरोध तो बल्कि ज़्यादातर सांसदों का होना चाहिए, कानून तो पास उनका किया है, लेकिन ये भी बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है, भाई जेजेपी पे यह डाल दो, बीजेपी की खाल बचा लो। लेकिन हम तो ये चाहोगे बीजेपी का आविष्कार होना चाहिए, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं, कानून उन्होंने पास कराया तो उनका भी बहिष्कार होना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए हर गाँव में। राकेश टिकैत जी की वीडियो आई है उसके बाद आंदोलन ने को नई दिशा मिली है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, 26 जनवरी ने जो घटनाक्रम हुआ, अब तो क्लियर बात हो ली थी कि वो बीजेपी और अमित शाह की सह पर हुआ था, लेकिन हमारे भोले लोग हैं वो समझ गए शायद हम में से किसी ने कराया है। हम तो खुशकिस्मती मानना है कि टिकैत साहब जो बॉर्डर पे बैठे थे, इस दुर्ध सरकार ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी, उनकी अंदर की आत्मा रोई और किसान ने यह समझा कि ये राकेश टिकैत जी, सारा किसान रो रहा है और सारा देश एक नई ऑक्सीजन मिल गई, हम तो राकेश टिकैत जी को नमन करते हैं इस बात के लिए। प्रदेश सरकार ने इंटरनेट बंद किया हुआ है, तो आप किस प्रकार अपने आंदोलन को नई दिशा देकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, इसका नुकसान तो है, लेकिन हमारे बच्चे पर मोबाइल है, हम मोबाइल से वैसे मैसेज देते हैं, संदेश तो हमारा रुकता ही नहीं बिल्कुल भी। जो सरकार चाल चलाया वो सरकार की चाल उसका उल्टी पड़ा है, हमारे से उल्टी पड़ा है। राकेश टिकैत जी का कंडेला में प्रोग्राम है 3 फरवरी को, क्या नरवाना के जो बुद्धोवाल टोल पर यहाँ पर भी आने की संभावना है? देखिए, मेरी अभी खेड़ा खाप के प्रधान सतवीर पहलवान जी से बात हुई, उनका खड़खड़ टोल प्लाजा पर भी प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि नरवाना टोल प्लाजा पर भी वो पहुँचे, यदि किसी कारणवश वो यहाँ नहीं पहुँचते तो हम खड़खड़ टोल प्लाजा पर उनका स्वागत करने के लिए पहुँचेंगे। अभी आपने बयान में दिया था कि मुस्लिम समाज है, जो अपना ब्राह्मण समाज है, वो भी खाप की जो मीटिंग उसमें आया हुआ था, तो मुस्लिम समाज को लेकर के कैसा आंदोलन की क्या गतिविधि है? देखिए, पहली बात तो हम ये बता दें कि मुसलमान की आंगड़ी चीर के देख ले उसका भी लाल लू है और हमारा भी है। वो हमारे भाई यार, उनने तो आगे बढ़ के कुर्बानी करने का वायदा किया है, हम उन पर पूरा विश्वास, जो भी हम चाहेंगे मुसलमानों से उसे 21 करेंगे, 19 नहीं रहेंगे। वे चंदे को लेकर भी कोई निर्णय लिया गया मीटिंग? हाँ, जो किसान वर्ग है उनसे प्रत्येक घर से 200 रुपये पर एकड़ चंदा इकट्ठा करा जाएगा, लेकिन जो मजदूर वर्ग है उनसे 1 रुपया लेंगे हम, उससे फालतू नहीं लेंगे। विधायक को लेकर आपकी क्या राय है? जैसे रामनाथ सुरजी खड़ा पहले इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। ऐसा है,
यदि दूसरे विधायक इस्तीफा देंगे, कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देंगे, तो मैं समझता हूँ राम निवास पीछे नहीं रहेगा, उससे हम जबरदस्ती ले लेंगे फिर इस्तीफा। पहले कांग्रेस वाले भी तो दे दिया इस्तीफा। नहीं, अब सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है तो क्या लगता है आपको, जज्बा के जो है उनको भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो फिर क्या राम निवास सुरजेवाला इस मामले को लेकर कैसे कोई बात हुई आपकी? जब से ये एजिटेशन चला है मैं उनके संपर्क में नहीं रहा। हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की और कहेंगे भाई किसानों के समर्थन में आओ आप। ये हमारे साथ जी रघुवीर नारायण जी जो खाप के प्रवक्ता है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर बातों बताया कि खाप की मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।